अब ये गेट का क्वेश्चन आता है। दो डी फ्लिप फ्लॉप हैं जो इस तरह से कनेक्टेड हैं, ठीक है भैया, इस तरह से कनेक्टेड है। नाउ उसने क्या कहा कि ये जो फ्लिप फ्लॉप हैं, दो डी फ्लिप फ्लॉप आर शोन बिलो टू बी कनेक्टेड एज अ सिंक्रोनस काउंटर, क्लॉक ऐसे कनेक्ट कर दी, दोनों को सेम क्लॉक कर दी, सिंक्रोनस काउंटर बन जाएगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ Q1 Q0 सीक्वेंस, Q1 पहले Q0 बाद में, Q1 इज MSB, Q2 इज Q0 इज LSB, तो मैं Q1 Q0 सीक्वेंस ये चाहता हूँ, तो D0 और D1 शुड बी कनेक्टेड एज वॉट, तो ये सीक्वेंस उसकी डिमांड है, ठीक है। तो यानी कि स्नैक BD प्रोसीजर चलेगा, जो आपने यहाँ पे देखा था स्नैक BD प्रोसीजर, जो उसकी डिमांड है उसके हिसाब से स्टेट डायग्राम, प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट, वो सब बनेगा। तो प्रेजेंट स्टेट Q1 Q0 सीक्वेंस है ना, तो Q1 पहले Q0 बाद में, तो 0 0 फिर 1 फिर 0 1 फिर 1 1 1 0। अगर प्रेजेंट स्टेट 0 0 है तो नेक्स्ट क्या होगी, 0 1 होगी। इस हिसाब से प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट लिख दिया। नाउ नेक्स्ट स्टेट जो भी होगी वही Q1 प्लस इज D1, यानी कि 0 1 1 0, ये एज इट इज लिख दिया। Q0 प्लस इज D0, तो ये 1 1 0 0 लिख दिया। अब D0 D1 एंड Q1 Q0 में रिलेशन को ऑब्जर्व करा, या तो रिलेशन को ऑब्जर्व कर लो, रिलेशन को ऑब्जर्व करके डायरेक्टली पता लग जाएगा डैट D0 इज Q1 बार, ये 0 0 1 1 है, ये 1 1 0 0 है, सो D0 इज Q1 बार, जो के मैप से निकल के भी पता लग जाएगा। एंड D1 की जो टेबल है वो सेम एज Q0 है, 0 1 1 0 0 1 1 0, सो D1 इज इक्वल्स टू Q0, सो D1 को Q0 से कनेक्ट कर दो। ये कनेक्शन बाद में हुआ, ये गिवन नहीं था, तो दिस इज द कनेक्शन। एंड ये जो Q1 बार है इसको फिर D0 से कनेक्ट कर दो, ठीक है। D0 इज इक्वल्स टू Q1 बार, D0 इज इक्वल टू Q1 बार, ये कनेक्शन होगा, ठीक है भैया। नाउ मेरे पास दो टी फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है, ये MSB दे रखा है, ये LSB दे रखा है। सीक्वेंस क्या है, 0 2 3 1 0, ये सीक्वेंस है। दो काउंटर दो है ना फ्लिप फ्लॉप, यानी कि 2 बिट का काउंटर बनेगा, किससे, टी फ्लिप फ्लॉप से। ये कुछ उसने कर रखा है, ये उसने छोड़ रखा है, ये क्या हो कि सीक्वेंस ऐसा चले, ये वो पूछ रहा है। तो मैं इसको भी भूल जाता हूँ कि ये भी उसने दिया हुआ है, इसको भी भूल जाओ, सपोज ये भी नहीं दिया हुआ, सिर्फ ये दिया हुआ है कि सिंक्रोनस काउंटर है, तो सिंक्रोनस डिजाइनिंग करनी है फॉर दिस सीक्वेंस, तो स्नैक BD प्रोसीजर होगा। तो 0 2 3 1 0 इनके कोड लिख दो, 0 2 3 1 0, तो ये प्रेजेंट स्टेट बन जाएगी, ठीक है। बट जब ये आप लिख रहे होगे प्रेजेंट स्टेट, तो ध्यान रखना MSB इज Q2, LSB इज Q1, तो Q2 पहले लिखना, Q1 बाद में, ठीक है। नाउ 0 0 का नेक्स्ट स्टेट क्या होगा, 0 का नेक्स्ट स्टेट है 2, सो 0 0 का 1 0 होगा नेक्स्ट, सो नेक्स्ट स्टेट की टेबल बन जाएगी। नाउ Q2 एंड Q+ में चेंज ऑब्जर्व करो, सो 0 से 1 यानी कि टॉगल हो गया, टॉगल यानी कि T2 इज हाई, 1 1 सेम यानी कि 0, 1 से 0 टॉगल हुआ, 1 से Q0 हुआ यानी कि टॉगल हुआ, तो इस हिसाब से T1 एंड T2 लिख दिया। नाउ अब उसके बाद T1 एंड T2 को ऑब्जर्व करना है, ठीक है, तो T1 और T2 का ऑब्जर्व करा, तो T1 निकल के आया Q1 एंड Q2 का XOR, एंड T2 निकल के आया Q1 Q2 बार प्लस Q1 बार Q2, यानी कि Q1 Q2 का XOR का कॉम्प्लीमेंट। तो ये उसने ऑलरेडी डिजाइन कर रखा था, बना के दे रखा था, Q2 Q1 का XOR एंड बबल यानी कि कॉम्प्लीमेंट, ये उसने दे रखा था। बट ये उसने नहीं दिया था X, वो पूछ रहा था व्हाट इज X, X यानी कि T1, T1 शुड बी Q1 Q2 का XOR, यानी कि Q1 Q2 का XOR, ये आपका आंसर होगा। तो अभी जो प्रोसीज, ये जो क्वेश्चन थे इसमें क्या था,
कि उसने सीक्वेंस दी, सिंक्रोनस काउंटर दिया कि सिंक्रोनस काउंटर डिज़ाइन करना है, कितने फ्लिप फ्लॉप्स हैं वो भी बताया उसने, तो स्नैक बीडी प्रोसीजर से आपने डिज़ाइन कर दिया। उसने खुद से बताया कि यहाँ पे डी फ्लिप फ्लॉप है, डिज़ाइन करो ये वाली सीक्वेंस, और यहाँ पे उसने खुद से बताया कि ये सीक्वेंस है, सिंक्रोनस डिज़ाइन है, ये MSB है, ये LSB है, टी फ्लिप फ्लॉप है, डिज़ाइन करो। तो स्नैक बीडी प्रोसीजर से डिज़ाइन कर दिया, ठीक है। बट अब दूसरे तरह के क्वेश्चन आएंगे जिसमें क्या होगा, वो ऑलरेडी डिज़ाइन करके देगा, ठीक है, वो ऑलरेडी डिज़ाइन करके देगा और फिर आपसे कुछ कुछ पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है। सो अगला वीडियोस में देखेंगे ये वाला क्वेश्चन।